हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 12 हिंदी के 20 बहुकल्पी प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये बहुकल्पी प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और चाहे आप सामान्य हिंदी से हैं या फिर आप साहित्यिक हिंदी से हैं, ये दोनों के लिए है। तो यहाँ पर हम 20 बहुकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में आए हैं, यानी कि पिछले कुछ सालों में ये लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं बहुकल्पी प्रश्न का। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संपूर्णानंद। कौन सा होगा? संपूर्णानंद। और खा नंबर देखिए, यानी कि दो नंबर देखिए, लल्लू लाल की रचना है, यानी कि लल्लू लाल की रचना है। ये कैसी रचना है? तो लल्लू लाल क्या है? प्रेम सागर की रचना है। किसकी है? प्रेम सागर की रचना है। यहाँ पर देखिए ग नंबर, पर्दा कहानी के लेखक हैं, यानी कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो कौन है? यशपाल। कौन है? यशपाल जी हैं पर्दा कहानी के लेखक। हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है यहाँ पर देखिए आवारा मसीहा के रचनाकार। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर। कौन है? विष्णु प्रभाकर। ये देखिए पाँच नंबर, यानी कि ये देखिए बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब आपके पांच क्वेश्चन हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर दो स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर भी पांच क्वेश्चन होंगे। देखिए का नंबर फिर से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका होगा छायावादी युग। क्या होगा? छायावादी युग। खा नंबर देखिए, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है, यानी कि इन कवियों में से अग्रदास, तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, नंददास, इसमें से कौन है जो प्रगतिवादी युग का है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, आगे देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ये गा नंबर वाला। ठीक है, ये गा नंबर क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1943, यानी कि ये दो नंबर वाला। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। ये देखिए घा नंबर देखिए, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी रचना इन चारों में से द्विवेदी युग की नहीं है? प्री प्रवास, साकेत, कामायनी, भारत भारती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको होने वाला कामायनी। ठीक है, ये द्विवेदी युग की रचना नहीं है, और ये सब द्विवेदी युग की रचना है। आगे देखिए ये आपका आता है, ये देखिए ये अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की मतलब किस शाखा से है? अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से संबंधित है? तो ये क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? कृष्ण भक्त शाखा से, यानी कि कृष्ण भक्त शाखा से इनका संबंध है। तो यहाँ पर देखिए अब आपके 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 10 क्वेश्चन। अब 10 क्वेश्चन हम और करने वाले हैं। 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, ये आपका 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये फिर से स्टार्ट हो रहा है ना, वन से। ठीक है, तो यह 11 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए का नंबर क्या दिया है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं, यानी कि उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? दामोदर शर्मा। कौन होगा? दामोदर शर्मा। ये देखिए खा नंबर यानी कि 12 नंबर क्या है? ये 12 नंबर है। ठीक है, भारतेंदु युग की पत्रिका है। भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका है? तो इसका आंसर क्या होगा? कवि वचन सुधा। ये फर्स्ट नंबर। ठीक है, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे आपका आता है गा नंबर, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये देखिए हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होने वाला है 1900 में। क्या होगा? 1900 में। ये देखिए सेवा सदन के रचनाकार हैं। सेवा सदन के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र जी। कौन है? प्रेमचंद्र जी सेवा सदन के रचनाकार हैं। आगे देखिए ये है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा? 15 नंबर। ठीक है, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय दिया जाता है किसको? दिया जाता है हिंदी की प्रमुख आधुनिक कहानी, यानी कि प्रथम आधुनिक कहानी कौन सी है, इसका श्रेय किसको दिया जाता है? ठीक है, तो इसका श्रेय दिया जाता है किशोरी लाल को। किसको? किशोरी लाल गोस्वामी जी को। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। ये आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। अब आपका 16 नंबर स्टार्ट होगा, देखिए प्रश्न नंबर दो से। ठीक है, ये आपका जो है का नंबर है, ये का नंबर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यानी कि इन चारों में से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ये देखिए कीर्तिलता, बीसल देव, राजसो,
पद्मावत, आलाखंड, ठीक है, ये दिया है। ये यहाँ पर कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये पद्मावत, ठीक है, इसका आंसर ये होने वाला है। आगे देखिए, अब आपका है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की, वही चीज अभी जो हमने पढ़ा था ना, वही वाला, देखिए कृष्ण भक्त शाखा से ये क्वेश्चन रिपीट कर गया है, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि ये कई बार आता है ना तो रिपीट कर गया है यहाँ पर। आगे देखिए, अब आपका ये स्टार्ट होता है, यहाँ पर देखिए ग नंबर श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका क्या आंसर होने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर होगा ये सूरदास, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सूरदास है, जो श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। यहाँ पर देखिए आपका ये घ नंबर चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा, यानी कौन सी रचना है, ये काव्य है, उपन्यास है, कहानी है, निबंध है ना, तो ये कौन सी रचना है, ये आपका काव्य है, ये क्या है, काव्य है, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है, ये वाला। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर है कथन है, ये किसका कथन है, कबीरवाड़ी के डिक्टेटर हैं, ये किसका कथन है, ये कथन है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो इसका आंसर फर्स्ट नंबर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, 20 बहुकल्पी प्रश्न पढ़े हैं जो कक्षा 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह का पेपर बिल्कुल कई बार ये एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू क्लास।